डिज़ाइन इस तरह का करना चाहिए कि हमारा फिगर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। ये मैंने चूनट्स डलवाई हैं सिर्फ और सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा लेटेस्ट डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप अपना कोई ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो आप, मुझे यकीन है कि बहुत ही सादा, सिंपल और सस्ते सूट के साथ भी आप इस तरह के डिज़ाइन बना के पार्टी वेयर सूट अपना बना सकते हैं कम बजट में, और बहुत ही ज़बरदस्त और एलिगेंट आप लग सकते हैं, और गुड लुकिंग आपको सब कहेंगे कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ सूट पहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है जी इस सूट का गला। आप ये देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन में ये सारे कलर्स थे, मल्टी शेड थे, तो मैंने इस तरह की ये लेस ली है। बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है और ऐसे लग रहा है मैंने किसी बुटीक से ये सूट लिया है, लेकिन यकीन माने ये मैंने बहुत ही सस्ता सा सूट लिया है, मार्केट से, लोकल मार्केट से सूट लिया है, और उधर से ही मैंने बहुत ही सस्ती 200 रुपये में ये लेस ली है। और आप ये देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत लेस लग रही है, इस तरह ये धागे में ये लेस है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने गले के लिए ली थी, बहुत ही ये मेरा खूबसूरत सा सूट तैयार हुआ है। आप इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गले का। अब आप देखें, इसका वी गला बना हुआ है, और इस तरह मैंने वी गला बना के इस तरह दो डब्बियाँ जिस तरह बनते हैं, दो खाने बनते हैं, इस तरह मैंने ये लेस लगाई है, चारों तरफ लेस लगा के दरमियान में वी गला और एक पट्टी लगाई है, इस तरह करके मैंने ये गला बनाया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस सूट को, ये वैसे ये शर्ट है, ये चाकू वाली शर्ट है, लेकिन इसको मैंने दरमियान में, मेरे जो मैंने सूट सिलाया है वो मैंने मोटे लगने के लिए, मैं स्लिम हूँ इस वजह से मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा स्लिम भी अच्छा नहीं लगता, अपने आप को थोड़ा सा चबी और गुलबुला सा दिखाना चाहिए ताकि प्यारे भी लगें, ये नहीं कि हम हैंगर की तरह लगे रहें और कपड़े हमारे पे लटक रहे हों। कोई डिज़ाइन इस तरह का करना चाहिए कि हमारा फिगर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। ये मैंने चूनट्स डलवाई हैं सिर्फ और सिर्फ दरमियान में, पेट वाली जगह पर, ताकि ये मेरी बहुत ही ज़्यादा सूट की अच्छी लुक आए, बहुत ज़्यादा ये प्यारा लगे। ये मैंने फ़्रॉक नहीं बनाई, फ्रॉक जो पहले ज़माने में बच्चियाँ पहनती थी, आजकल वो बिल्कुल भी नहीं चल रही, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक आती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर में इस तरह लगाई है, ये चुनट्स डलवाई हैं, और ये फ्रॉक नहीं बनवाया, और इस तरह करके मैंने ये चाख बनवाए हैं, और लॉन्ग चाख बनवाया मैंने। बहुत ही आजकल ट्रेंड है लॉन्ग चाख का, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही एलिगेंट लगते हैं, इस तरह लगता है जैसे हमने कोई महंगा दुकान से जाके कपड़ा खरीदा है और महंगा सूट हमने बनाया, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस तरह से। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन, बहुत सिंपल से डिज़ाइन से भी हम अपने सूट को बहुत प्यारा बना सकते हैं। तो ये देखें जी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अपने हर सूट पर आप पाइपिंग लाजमी लगवाया करें, पाइपिंग के बगैर कपड़ा हमेशा ढीला ढीला सा लगता है और उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। आपने क्या करना है, पाइपिंग लगवानी है, और दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि आपने हमेशा इस तरह करके आपने तरपाई करवाया करनी है। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने तरपाई करवाई हुई है, बहुत ही अच्छी लगती है, अच्छी फिनिशिंग आती है, अच्छी लुक आती है। इधर घेरा बिल्कुल सिंपल है, घेरे पे भी मैंने पाइपिंग करवाई है, आगे पीछे दामन पे भी, ये चाख जो है इस पे मैंने पाइपिंग करवाई है। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ, आपने ये बैक पे भी मैंने इस तरह पेटी वाली जगह छोड़ के इसके नीचे मैंने इस तरह एक सिर्फ चुनट डलवा के इसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह कपड़ा रखवा के मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा खुला डुला सा बनाया। चुनट डलवाने का फ़ायदा ये है कि ये भी हमें चबी बनाता है, बहुत ही गोल मटोल सा रखता है, जैसे बहुत पतली बच्चियाँ वो भी बहुत ही अच्छी नहीं लगती। तो ये बिल्कुल, बहुत ही स्मार्ट हूँ मैं, इस वजह से मैंने इस तरह का ये ड्रेस बनवाया है। ये फ्रंट पे मैंने उस तरह की चुनट डलवाई हैं, और बैक पे मैंने इस तरह करके ये इधर सिलाई लगाई है मैंने, ये इतनी यहाँ से कट करके इधर से मैंने ये डबल सिलाई लगा के इस जगह से मैंने इसको चुनट बना दिया है, अंदर अंदर गुम सिलाई लगा के ये चुनट की तरह ये बन गई है। इसी तरह ये इसके बैक पे भी मैंने पाइपिंग लगवाई हुई है, दामन पे पाइपिंग लगी हुई है। इसके बाद हम लोगों की नकलें तो उतार लेते हैं, उन जैसा सूट तो बना लेते हैं, लेकिन वो हम पे अच्छा नहीं लग रहा होता। बेहतर ये होता है कि हम अपनी जिसामत के हिसाब से उस तरीके की कट्स बनवाएं और उस तरीके की हम सिलाई लगवाएं ताकि हमें अच्छा लगे। कपड़ा पहना हो तो हमें, हमारा अपना जिस्म होता है, हर किसी की अलग अलग जिसामत होती है, तो अलग अलग उसको अच्छा लगता है। अपने हिसाब से हमेशा कट्स बनवाया करें। ये देखे पतले बंदे को ये इतना सूट करेगा कि आपकी सोच है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैंने इसकी बाजुएं जो है ये 3/4 रखवाई हैं, लंबी बाजुएं नहीं बनवाती होती मैं, और बहुत छोटी अगर बाजुएं बनाएं तो बंदा बहुत ज्यादा मोटा लगता है। लंबी बाजू नहीं बनवाती, 3/4 बनवाती हूं। और आप ये देखें कि मैंने बाजू पे भी इसी तरह पाइपिंग लगवा के इधर भी तरपाई ही करवाई हुई है, दोनों साइडों की बाजुओं पे मैंने इसी तरह बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ मैंने इस तरह का ट्राउज़र बनवाया है, बहुत ज़्यादा खुला नहीं बनवाया, प्लाजो की तरह ये इस तरह का ट्राउज़र पहुँचा, ना टाइट है ना बहुत ज़्यादा खुला है, बहुत ही अच्छा लगना है। कैपरी टाइप मैंने ये बनाया है, और जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि हमेशा अपने जो ट्राउज़र हो, शलवार हो, कुछ भी हो, इस तरह आगे आप इलास्टिक डलवाया करें और पीछे इलास्टिक डलवा के चुनट डलवाया करें, आगे आप बेल्ट की तरह बनवाया करें, इस तरह बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छी लुक आती है। और ये भी कि फ्रंट और बैक का फर्क भी पता चलता है, फिर जो हमारी शलवार के पांचे हमें अक्सर आगे पीछे हो जाते होते हैं, ऊपर नीचे, तो वो भी नहीं होते, तो इस तरह ये बहुत ही अच्छा, जैसे पैंट पजामा होता है इस तरह की बन जाती है।
है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मुझे यकीन है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पहले भी मैंने जो भी ड्रेस डिज़ाइन आपको शेयर किए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे, इस वजह से मैंने सोचा कि आज का ये ड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।